बहुजन समाज पार्टी के निष्कासित नेता इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने जा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि पिछले दिनों बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित हो चुके इमरान मसूद एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कांग्रेस के अंदर आपको बता दें कि वो 7 अक्टूबर को सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। पार्टी की तरफ से मिल रही या कांग्रेस की तरफ से मिल रही जानकारी के अनुसार इमरान मसूद 7 अक्टूबर को कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। उनके साथ अन्य कई राजनीतिक दलों के नेता भी इमरान मसूद के साथ है, वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होंगे। इमरान मसूद कभी कांग्रेस पार्टी के ही नेता हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा, समाजवादी पार्टी छोड़कर बीएसपी का दामन थामा और बीएसपी से निष्कासित करने के बाद एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस पार्टी की दामन है वो थामने का फैसला ले लिया है। पिछले दिनों जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद के भी साथ जाने की खबरें आई थी, लेकिन आखिर उन्होंने कांग्रेस पार्टी का ही दामन थाम लिया है। दरअसल खबर यह मिल रही है कि इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के बैनर तले या कांग्रेस पार्टी के टिकट पर सहारनपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अगर सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ती है तो क्या इंडिया गठबंधन में सहारनपुर की सीट एक तरीके से समाजवादी पार्टी छोड़ देगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में शामिल है। और अगर कांग्रेस पार्टी ये चुनाव लड़ती है तो क्या इमरान मसूद भी अगर चुनाव लड़ते हैं तो सहारनपुर की सीट कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ देगी समाजवादी पार्टी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। वर्तमान में आपको बता दें कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी के सांसद है हाजी फजल रहमान। मिलेंगे इस वीडियो नई अपडेटों के साथ, अब तक आप चले विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही आपको बता दें कि आपका प्रतिक्रिया कमेंट जरूर